क्या इन्फिनिक्स GT20 Pro के अंदर PUBG VGMI के 3.3 अपडेट के बाद 120 FPS चल रहा है या नहीं, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे एंड बस सब कुछ डिटेल में तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। लाइक लिटरली हर एक चीज इस फोन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे कन्फ्यूजन है और अभी सुनने में आए इस फोन में कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, तो वो भी कुछ सीक्रेट सोर्सेस से मुझे पता चले हैं, वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो अगर तुम इस फोन को लेने का सोच रहे हो स्पेशली फॉर 120 FPS, और क्योंकि इस फोन का बजट वही कुछ 20K टू 25K के बीच में आता है, यू नो 120,000 के अंदर आसपास होता है ये फोन का बजट, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि भाई लेना चाहिए नहीं, तो एकदम डिटेल में हर एक चीज बताऊंगा कि सपोर्ट कर रहा है नहीं 120 FPS BGMI के अंदर और क्या सीन है, हर एक चीज तुम्हें पता चलने वाली, कुछ सीक्रेट अंदर की बातें भी पता चलने वाली इस फोन के कुछ प्रॉब्लम्स का भी मैं तुमको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स क्या हाल चाल है यार, अब अगर बात करें इन्फिनिक्स GT20 Pro के 120 FPS के बारे में, तो देखो PUBG के अंदर तो 3.3 के अपडेट से पहले ही बहुत टाइम पहले ही सपोर्ट करना शुरू कर चुका था, 120 FPS एकदम आ ही गया था इन्फिनिक्स GT20 Pro के अंदर, लेकिन ये एक्चुअल जो चीज है ना, ये जो प्रॉब्लम ये गेम की है, ठीक है, स्पेशली BGMI को लेकर जो लोगों के दिमाग में सवाल है या 3.3 के बाद आएगा या नहीं या आया है या नहीं, तो भाई देखो वो बताने से पहले मैं तुमको इस फोन की कुछ प्रॉब्लम जो आए हैं इन्फिनिक्स GT20 Pro के वो बता देता हूँ। देखो सुनने आ रहा है कि भाई इन्फिनिक्स G20 Pro में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है भाई कि लैग का, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, हमें फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, ठीक है। स्पेशली जो लोग PUBG वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, 120 FPS के लिए उनको देखने को मिल रहा है। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, 20 से 25 हज़ार का फोन है, तो एक तो 120 FPS एक बहुत ही ज्यादा FPS होता है, ठीक है। फ्रेम रेट जब बढ़ जाता है, जब FPS बढ़ जाता है, तो फोन पर प्रेशर भी पड़ता है, फोन हीट भी होता है, फोन लैग भी होता है। तो अगर तुम 120 FPS खेल रहे हो, PUBG वगैरह डाउनलोड कर रहे हो और इन्फिनिक्स G20 Pro खेल, मतलब इन्फिनिक्स G20 Pro में PUBG डाउनलोड करके तुम अगर खेल रहे हो 120 FPS पे, तो तुमको ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बाकी जिनको 90 में भी आ रहा है, मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं भाई कि ये डिवाइस काफी अच्छा है, लाइक लिटरली अच्छा फोन है, बहुत मतलब चीजें इसके अंदर मिल रही है, एक ही इतने कम बजट में इतनी सारी चीजें मिल रही है, बट क्या है ना कि उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। तुम्हें वो लेवल की चीज नहीं मिल पाएगी कि एंड्रॉइड फोन के अंदर, उसके लिए तुम्हें भाई सीधा फिर आईफोन वगैरह लेना पड़ेगा, कोई आईफोन का कोई प्रो वर्जन पकड़ना पड़ेगा, वो भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअल रीजन जो है ना, गेम की ऑप्टिमाइजेशन पे भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन PUBG तो चलो ठीक ठाक FPS तुम्हें निकाल के दे दे रहा है। मतलब वही बात है कि यार कहीं ना कहीं फोन उतना खास कैपेबल नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। खैर अब इससे पहले मैं तुम लोग को BGMI के अंदर 120 FPS कब आएगा, ठीक है, लाइक स्पेशली इन्फिनिक्स G20 Pro सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो भी बताऊंगा। वो बताने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, 20K कराओ यार जल्दी यार, ठीक है, तुम्हारे भाई बहुत मेहनत कर रहा है। और एक और चीज मुझे तुम सभी से पूछना था, आवाज कैसी आ रही है इस वीडियो की, क्योंकि मैं अभी जो ये जो आवाज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक वायरलेस माइक से, और एक बहुत ही बढ़िया एक माइक से हम अपग्रेड वगैरह करने वाले हैं जल्दी, ठीक है, खर्चा करने वाला है तुम्हारा भाई। तो कमेंट करके जरूर बताना इसकी आवाज साफ आ रही है नहीं, या थोड़ी सी खराब सी लग रही है उस हिसाब से, क्योंकि भाई देखो हम क्वालिटी कंटेंट लाने वाले हैं, हर चीज की इंक्रीज करने वाले हैं, तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो, हर चीज लेवल अप कर रहे हैं धीरे धीरे, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ मैं लाने वाला हूँ, तो कर देना। खैर मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ, बात रहेगी कि भाई BGMI के अंदर 120 FPS आएगा या नहीं। देखो एक रियलिटी तुम्हें बताता हूँ, जो अभी लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कब आएगा भाई 3.3 का अपडेट आ चुका है BGMI के अंदर कब सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम सब PUBG नहीं खेलते, लाइक मेरा भी अकाउंट, तुम में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो है वो BGMI में ही होगा, मेरा भी अकाउंट BGMI में ही है, तो तुम कमेंट करके जरूर बताना तुम अभी करेंटली PUBG खेलते हो, BGMI खेलते हो, जो भी गेम खेलते हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं भाई अभी करंट BGMI खेल रहा हूँ, PUBG नहीं खेलता, मेरी आईडी है लेकिन मैं उतना खास उसमें उतने दोस्त है ही नहीं, दोस्त हमारे BGMI में पड़े हुए हैं, तो हम BGMI में खेलेंगे ना भाई, ठीक, सिंपल सी बात है। तो हम भी यही वेट कर रहे हैं क्योंकि BGMI के अंदर पहले 120 FPS आए, तभी मतलब 120 FPS के लिए अपडेट वगैरह है, जो कि अभी अगर मैं बात करूं कि क्या सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आफ्टर 3.3 अपडेट में इन्फिनिक्स G20 Pro के अंदर 120 FPS, तो भाई नहीं, अभी तक तो नहीं कर रहा है, मे बी कुछ टाइम बाद तुम्हें इस अपडेट के अंदर ही देखने को मिल जाए या फिर नेक्स्ट अपडेट में आ जाए, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, जो कि हमारे BGMI के पास थोड़ा सा कम है, ठीक है, टाइम लग जाता है इस चीज को थोड़ा सा करने में, तो थोड़ा वेट कर लो, जल्दी आ जाएगा। बाकी जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई कि इसके अंदर कब आएगा, ठीक है, मतलब अपडेट का क्या सीन है, कब तक आएगा, तो देखो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जहां पे मैंने बताया कि कैसे 120 FPS आएगा BGMI के अंदर और कैसे आएगा, कब आएगा, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक एकदम ही सामने आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो